नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजियाना। मैं शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। शहर में आगामी 2 अक्टूबर तक प्रतिबंध रहेगा भारी वाहनों का प्रवेश। इसकी जानकारी आज यातायात प्रभारी मनीष डाबर ने डीजियाना को दी। उन्होंने बताया कि कलेक्टर के आदेश अनुसार आगामी त्योहारों की श्रृंखला नवरात्रि, दशहरा और मुहर्रम को मद्देनजर रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि आगामी 2 अक्टूबर की मध्य रात्रि तक शहर में किसी भी तरह का बाहरी वाहन का प्रवेश निषेध रहेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि यदि कोई वाहन शहर में प्रवेश करना चाहे तो उन्हें इसके लिए कलेक्टर से परमिशन लेनी होगी, इसके बाद ही वह शहर में प्रवेश कर पाएगा। उक्त आदेश विगत रात्रि से लागू हो गया है। नवरात्रि, दशहरा और मुहर्रम के मद्देनजर रखते हुए श्री मांडलिया महोदय द्वारा शहर में 24 घंटे नो एंट्री हेतु आदेश पारित किया है, जो आज दिनांक 22/9/17 से लागू हो रहा है। और सभी ट्रांसपोर्टरों से अपील है कि वो अपने अपने वाहन बाईपास से लेकर के जाएँ, और जिन्हें शहर में अनलोड करना है वो अपने वाहनों की परमिशन श्रीमान कलेक्टर महोदय से प्राप्त करें और अपना वाहन ले। श्रीमान डीएम महोदय द्वारा 2 अक्टूबर तक जारी है। गुना जिले में लागू किया गया पेयजल परिरक्षण अधिनियम। इसकी जानकारी डीजियाना को जिला कलेक्टर राजेश जैन ने दी। कलेक्टर राजेश जैन ने बताया कि गुना जिले में लगभग 1053 मिलीलीटर वर्षा की जरूरत थी, इसके विपरीत यहां पर केवल 685 मिलीलीटर वर्षा ही हुई है। इससे आगामी भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई समस्या पेयजल को लेकर न आए, इसके लिए गुना जिले को जल अभावग्रस्त घोषित किया गया है एवं निजी नलकूप के खनन एवं पुराने नलकूपों की साफ सफाई पर 2018 वर्षा ऋतु आने तक या फिर अगला आगामी आदेश आने तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि विशेष परिस्थितियों अथवा अति आवश्यक होने पर नलकूप तथा पुराने नलकूपों की सफाई, नलकूप का गहरीकरण आदि की अनुमति प्रदान करने हेतु संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को अधिकृत किया गया है। इस वर्ष बारिश कम हुई है। गुना जिले का एवरेज 1053 मिलीमीटर है और उसके अगेंस्ट अभी तक लगभग 685 मिलीमीटर बारिश हुई है। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि जिले में पेयजल परिरक्षण अधिनियम लागू किया जाए। अतः पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के अंतर्गत संपूर्ण जिले को जल अभावग्रस्त घोषित करते हुए पेयजल परिरक्षण अधिनियम घोषित किया गया है। इसके अंतर्गत कोई भी हैंडपम्प, नलकूप, ट्यूबवेल खोदने के पूर्व संबंधित क्षेत्र के अनुभागीय दंडाधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी। स्थानीय हाट रोड पे आज यातायात पुलिस ने बिगड़ती यातायात व्यवस्था को लेकर निरीक्षण किया एवं डिवाइडर से लगे जो भी वाहन या ठेले वहां पर खड़े होते हैं उन सभी लोगों को हिदायत दी कि वे डिवाइडर की ओर ना खड़े हों तथा दूसरी तरफ खड़े हो जाएं, ताकि आवागमन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। साथ ही ट्रैफिक सूबेदार मोनिका जैन ने सभी दुकानदारों को नसीहत भी दी कि वे अपने आगे किसी भी तरह की कोई पार्किंग ना कराएं। हाट रोड पर रैलिंग साइड जो भी वाहन खड़े होते हैं, फल के ठेले भी हो सकते हैं, फोर व्हीलर, टू व्हीलर कुछ भी हो सकता है, वो रैलिंग साइड खड़ा ना हो, इस साइड दूसरी साइड खड़ा कर लें, ऑफ साइड खड़ा कर लें। रैलिंग साइड ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वाहन आवागमन के लिए वो रास्ता छोड़ के रखें। तो हम सभी को यहाँ शॉपकीपर्स को भी बता रहे हैं कि आपके सामने कोई वाहन खड़ा करता है तो मना कर दीजिए उसको, और लोगों को भी कंटिन्यू हटा रहे हैं यहाँ से कि यहाँ वाहन खड़े ना करें। ये नो पार्किंग का जुर्माना लगता है इसके ऊपर, और कागज भी चेक करते हैं गाड़ी के, उनको हिदायत देते हैं यदि कागज पूरे नहीं किए, आप अपने कागज भी पूरे करवाइए। ग्राम हिनोतिया से किसान आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने कलेक्टर से गुहार लगाई कि उनके बर्बाद फसलों का जल्द से जल्द सर्वे कराया जाए, क्योंकि यदि सर्वे जल्द ना हुआ तो उनको अगली फसल की बोनी के लिए काफी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। नौतिया गांव से आए और हमारे आस पास के गांवों में भी पूरी तरह फसल नष्ट हो चुकी है। उड़द की जो भी फसल है पूरी तरह फलियों में उगाई है, जिसका हम सर्वे चाह रहे थे और जल्द से जल्द चाह रहे थे, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि सर्वे का इंतजार करेंगे तो हम अगली फसल को छोड़ देंगे, इसलिए हम इस फसल का सर्वे करवा कर अगली फसल का
बोना और हकना चालू करें। ठीक, ये ग्राम हनौतिया पिपरौदा मुन्नार दोस्तपुर मानपुर बरिया रेंज आई यहाँ सभी के कृषक आए थे, वहाँ पे पूरी फसल ख़राब हो चुकी है। बस सर्वे जल्दी से जल्दी हो जाए 15 दिन के पहले, क्योंकि अगली फसल भी बोनी है किसानों को, जुताई भी करना, सब जुताई करनी है। लेकिन अगर अभी सर्वे नहीं होगा फिर अपने मन के हिसाब से वो बीमा भेजेंगे, मुआवजा भेजेंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो वही शिकायत करने का लगता दिया है सर ने, संतोषजनक सर्वे चल रहा है, जो बोला हर गांव में जाके सर्वे नहीं कर, सर्वे करना पॉसिबल नहीं है, उनके हिसाब से चल रहा है सर्वे। फिर हुआ गाजर घाटी पर एक एक्सीडेंट। आज ये एक्सीडेंट सुबह 11 बजे के लगभग उस समय हुआ जब राधोगढ़ जनपद के सब इंजीनियर शैलेंद्र भार्गव अपने निजी कार से गुना से रावगढ़ की ओर जा रहे थे, तभी अचानक सामने से आए आयशर 407 गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। इस भीषण टक्कर में इंजीनियर शैलेंद्र यादव गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत ही गुना चिकित्सालय उपचार के लिए लाया गया। हिंदू जागरण मंच के बैनर तले आज हड्डियों की जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर स्थानीय पुष्कर कॉम्प्लेक्स स्थित डॉक्टर अनुपम चौधरी के क्लिनिक पर रखा गया था, जहां पर हिंदू जागरण मंच के बैनर तले 60 से अधिक लोगों ने निशुल्क अपनी जांचें करवाई। इस मौके पर हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष दीपक रजक सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। काफी आराम हो गया आपको? पहले तो वेरिकोस मेंस थी ना आपको पूरे में, अब तो बढ़िया हो गई। हां तो बहुत है ना, तो चल रहा है, पानी हो गया ना। हां अच्छा हो गया ना। तो आज हमने 60 से ज्यादा मरीजों की यहां निशुल्क जांच की है हड्डियों में, जो कैल्शियम की कमी थी उसकी, जिसकी वजह से हड्डियाँ बहुत आसानी से टूट जाती हैं। तो ये सारी जांच हमने यहाँ निःशुल्क की है, इसमें इनसे कोई चार्ज नहीं लिया गया है। विशेष आभार व्यक्त करते हैं डॉक्टर अनुपम चौधरी जी का, जिन्होंने यहाँ पर निःशुल्क मरीजों का परीक्षण किया और बीएमडी कैंप के द्वारा हड्डियों की जाँच करवाई, उसके लिए धन्यवाद। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में लॉ के छात्र ने आज अपने ही एक साथी मित्र राजेंद्र खटीक के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान का संकल्प लिया एवं बड़ी संख्या में उन्होंने रक्तदान भी किया। इस मौके पर लॉ कॉलेज के सभी छात्रों सहित वहां के प्रोफेसर आर के वर्मा भी उपस्थित रहे। गौरतलब है कि प्रोफेसर आर के वर्मा लगातार अपने छात्रों को रक्तदान के लिए जागरूक करते आ रहे हैं। थोड़ा उधर भी देखो, जरा ऐसा ना लगे कि अपना इंटेंशन है फोटो के लिए। ये सर सब इधर ना देखो जरा, Thank you.
जो है, जैसा कि हमने 20 तारीख को वेलकम पार्टी के समय ये अनाउंस किया था कि लॉ कॉलेज में दो काम होंगे, एक छात्रों का ब्लड ग्रुप पता लगाया जाएगा पूरा सब, और उनका पूरा एग्जाम लिस्ट तैयार करेंगे, और दूसरा ये है कि जो ब्लड देने के इच्छुक हैं वो ब्लड डोनेट भी करेंगे। आज एक छात्र राजेंद्र खटिक का, जो LLB थर्ड सेमेस्टर का छात्र है, उसका जन्मदिन था और उसने जन्मदिन के समय आज ब्लड डोनेट किया है। कितना यूनिट कर दिया आज? ये 5 लोग हो गए ब्लड देने के लिए, 5 लोग, 6 लोगों ने दिया 1800 ml। और मैं स्पेशली ये कहना चाह रहा हूँ कि ब्लड देने से ना कोई कमज़ोरी आती है, और 48 घंटे में ब्लड के सेल्स दोबारा वापस नए सेल्स आ जाते हैं, और बहुत फायदेमंद चीज़ है। और इसके अलावा डॉक्टर रामवीर रघुवंशी से मेरी बात हुई परसों, उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में 1 साल के अंदर वो उस टेक्नोलॉजी को ईजाद कर लेंगे, मशीन को ले आएंगे, जिससे ब्लड के कंपोनेंट्स को अलग कर दिया जाता है, और 300 ml ब्लड को 8 जनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे बोन मैरो है और RBC है, WBC है और प्लेटलेट्स हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो ब्लड से अलग कर दी जाएंगी, और इस तरह 8 लोगों की जान बचाई जा सकती है एक जने के ब्लड देने से। और जनता को इस बारे में अवेयर किया जाना बहुत ज़रूरी है कि ब्लड देना बहुत पुण्य का, बहुत अच्छा काम है, अपनी हेल्थ के लिए भी और दूसरों की जान बचाने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। पुराने कलेक्ट्रेट भवन से नए कलेक्ट्रेट भवन में कार्यालयों की शिफ्टिंग का कार्य शुरू हो चुका है। बहुत जल्द पूरी तरह से नए कलेक्ट्रेट भवन में शिफ्टिंग के बाद आपको अपने मसलों को हल कराने के लिए नए कलेक्ट्रेट भवन ही पहुंचना होगा। यहां पर सभी प्रकार की फाइलें आज नए कलेक्ट्रेट भवन में शिफ्ट की जा चुकी है। सोनी कॉलोनी स्थित चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में उमड़ रहा है भक्तों का जनसैलाब। उक्त कथा परम पूज्य पंडित श्री अरविंद जी महाराज आगरा वालों के श्रीमुख से हो रही है, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के श्रद्धालु पहुंचकर धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। साथ ही आयोजकों ने भी शहर के सभी श्रद्धालुओं से इस कथा में सम्मिलित होकर धर्म लाभ उठाने की अपील की है। यहाँ कथावाचक पंडित श्री अरविंद जी महाराज ने आज ज्ञान की गंगा बहाते हुए कई सारे उपदेश भी दिए। आइए नजर डालते हैं इस कथा की कुछ झलकियों पर। बनने वाला काम बड़ा खतरनाक है, जैसे हो वैसे, लेकिन सीता बन करके जैसे ही नकली सीता बन के राम जी के आगे आई है, मेरे प्रभु मुस्कराए, लक्ष्मण जी को भी हंसी आ गई, साक्षात वैराग्य की मूर्ति है लक्ष्मण जी को भी हंसी आई। और तब भगवान 2 मिनट तो भगवान सोचते रहे, क्योंकि देखिए मेरे श्री राघव मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी एक एक लीला में मर्यादा, इसलिए भगवान ने 2 मिनट तो सोचा इसको बोलू क्या। कई रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें यही नहीं कि उनमें बोलने का क्या बोले, ये वाली तकलीफ। अब तो थोड़ा युग बदल गया है, इसलिए गृहस्थ रहने वाले लोग एजी ओजी कह के पूरी जिंदगी निकाल देते थे। फिर बीच में थोड़ा सा बदला, पर वो सोच रहे हैं इसको बोलूं क्या, अगर मैं इसे सीता बोलता हूं तो सीता तो ये है नहीं, और अगर इसे मैं भवानी बोलता हूं सती तो ये सती भी नहीं है, सब बोलना क्या है, मेरे नाथ की भाषा देखिए। भगवान सबसे पहले तो मेरे श्री ठाकुर ने हाथ जोड़े,
और हाथ जोड़कर भगवान जो शब्द बोले बड़ा प्रभु बोले विगत रात वार्ड क्रमांक 35 में दर्जी मोहल्ला में एक मकान गिरने से भय की स्थिति बन गई है। बताया जा रहा है कि मकान जो गिरा है वह लगभग 50 वर्ष पुराना है। गनीमत यह रही कि यह मकान जहां पर गिरा वहां किसी की जनहानि नहीं हुई। मकान मालिक ने बताया कि मकान का जो हिस्सा गिरा है वहां पर कोई नहीं रहता था। गौरतलब है कि पिछले 3 दिनों से लगातार शहर में हवाएं और तेज बारिश हो रही थी, जिसके साथ ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिला प्रशासन एवं नगर पालिका की जिम्मेदारी होती है कि ऐसे भवनों को चिन्हित किया जाए जिनकी स्थिति बहुत ही गंभीर है और जो गिरने वाले हैं, लेकिन गुना में ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। चढ़ो पोज दे, ऊपर चढ़ के पोज दे दे। कितना पुराना है ये? कितना मकान एकदम रात में 3:15 बजे करीब एकदम पूरा गिर गया एक साइड से। यहाँ लेटरिंग और बाथरूम बनी थी तो एकदम पूरा ध्वस्त हुआ रात में 3:30 बजे करीब। तो अब किसी और को क्षतिग्रस्त ना हो इसलिए मैं पूरा गिरवा के इतना आगे आगे का हिस्सा पूरा बनाया। अंदर तो सब सही था, बाहर का एकदम गिर करीब नहीं, किसी को नुकसान नहीं हो, किसी की क्षति किसी नुकसान नहीं हो, अकेले मकान पीछे पीछे रहते। आगे की लेटरिन बाथरूम थी और जैलान थी, ये लेटरिन बाथरूम का साइड घर। म्याना नेशनल हाईवे पर विगत 1 साल बीत जाने के बाद भी धीमी गति से काम के चलते अधिकतर समय लगा रहता है जाम। वजह है छोटी सी रोड और उसी पर गाड़ियां खराब होना। होटलों पर भी गाड़ियों को रोका जाता है और गाड़ी खड़ी करके ड्राइवर भी अन्य कहीं जगह चले जाते हैं। साथ ही मेन रोड पर गाड़ी खराब होने से काफी लंबा जाम लगा रहता है, जिससे आने जाने वालों के बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ जाम की स्थिति अक्सर ठेकेदारों की लापरवाही के चलते बनती है। जैसे कि आज एक मिक्सर ड्राइवर ने रोड पर ही मिक्सर खड़ा कर दिया और उसे चालू छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया, जिसे बाद में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी और घंटों तक इंतजार करने के बाद पुलिस ने खुद ही इस गिट्टी मिक्सर को वहां से हटाया। साथ ही रोड भी खुदी हुई है, जिसके कारण आमजन को काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। वहीं पैदल चलने वालों को तो चलने की यहाँ जगह भी नहीं मिलती है। म्याना से हमारे सहयोगी शैलेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। आरो नगर में शारदीय नवरात्रि के तृतीय दिवस के अवसर पर यज्ञ की आहुतियां दी गईं। यहां पर सैकड़ों की संख्या में गायत्री शक्तिपीठ मंदिर पर सुबह साधना के साथ यज्ञ एवं आरती की गई, जहां श्रद्धालुओं द्वारा प्रसाद वितरण भी किया गया।
वहीं प्रमुख ट्रस्टी विनोद कुमार ने श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में यज्ञ में शामिल होने का अनुरोध भी किया। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। एक तरफ तो शहर समेत पूरे मध्य प्रदेश में डेंगू, चिकनगुनिया एवं स्वाइन फ्लू का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन इन सब से निपटने के लिए कमर कसे हुए है। पर ऐसे में यदि कोई जनप्रतिनिधि ऐसे कार्य करे जिससे इन बीमारियों को आमंत्रण मिले और इनको बढ़ावा मिले तो आप क्या कहेंगे? हम बात कर रहे हैं वार्ड क्रमांक 18 की, जहां पर एक निजी स्कूल के ग्राउंड में ही पानी के भरे रहने के चलते मच्छर पनप रहे हैं, जिससे कॉलोनी वासियों को वहां पर रहना दुर्भर हो गया है। यहां पर अक्सर पानी रहने की वजह बताई जा रही है नाली निर्माण का पूरे ना होना। हालांकि यहां पर नाले निर्माण के टेंडर भी हो चुके हैं, जो कि वहां पर लगा बोर्ड इस बात को साफ तौर पर दर्शा रहा है नाली निर्माण कार्य के टेंडर हो चुके हैं, पर नाली क्यों नहीं बनी ये तो वार्ड पार्षद ही जाने। डीजियाना में आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।